कमल एकेडमी कोच में आपका स्वागत है। जो टीचर्स की टीम हम लोगों ने बनाई है बहुत मेहनत कर रही है आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो आइए जानते हैं अपने टीचर्स से कि आज हमारे बच्चों को वो क्या पढ़ाने वाले हैं। तो जल्दी से आप बने रहिए चैनल पे और देखते रहिए सारी वीडियोस को अच्छे से, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं बच्चों को आज क्या पढ़ाया जाता है। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स, आई एम आकांक्षा और आज हम आपके कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि हम सभी को पता है कि कंप्यूटर बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बना होता है और इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर है जिसके बहुत सारे पार्ट्स है जिसके साथ वो एक सिस्टम क्रिएट करता है, इसीलिए इसे कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट हार्डवेयर एंड सेकंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर पार्ट्स वो होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, विच वी कैन सी। जबकि सॉफ्टवेयर सिर्फ इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है। हार्डवेयर पार्ट्स क्या होते हैं अब हम आगे इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हार्डवेयर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट कीबोर्ड। एक कीबोर्ड का स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारे अल्फाबेट्स और नंबर्स होते हैं। ये जो बटन्स होते हैं इन्हें कीज कहा जाता है, KEYS कीज, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कीबोर्ड, जिसके थ्रू हम हमारे कंप्यूटर में टाइप करते हैं डेटा या कुछ जो भी हमें चीज एंटर करनी है वो इसमें एंटर करते हैं। सेकेंड है आपका माउस, जिस तरह से हम ये पेंसिल होल्ड करके ड्रॉ करते हैं अपने हैंड में, उसी तरीके से माउस होता है। माउस को भी हम इस तरह से हमें हमारे पाम में होल्ड करके और ड्रॉ करते हैं, या कुछ भी फंक्शन या फीचर, कोई भी फाइल हमें सेलेक्ट करनी है तो हम किसके थ्रू सेलेक्ट करते हैं, माउस के थ्रू। मॉनिटर, कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है जिस पर हमें हमने जो कुछ टाइप किया है, जो कुछ लिखा है, जो कुछ हम कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं, जो हमें शो हो रहा है स्क्रीन पर, उस स्क्रीन को कहा जाता है मॉनिटर। इस पर हम मूवीज भी देख सकते हैं, कार्टून भी देख सकते हैं, जो भी फाइल हमारी कंप्यूटर पे दिखाई दे रही है उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी। नेक्स्ट पार्ट है CPU, इसे प्रोसेसर कहा जाता है। प्रोसेसर इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर में जो भी प्रोसेस होती है, हम एंटर कुछ भी उसमें एंटर करते हैं वो हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है। ये पूरी प्रोसेसिंग किसके थ्रू होती है, CPU। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जिस तरह ह्यूमन का, जिस तरह हम लोगों को एक ब्रेन होता है, उसी तरह कंप्यूटर का भी एक ब्रेन होता है CPU। CPU को क्या कहा जाता है, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU के तीन मेन पार्ट्स होते हैं, ALU, CU एंड MU। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो इसके थ्रू परफॉर्म होते हैं। CU कंट्रोल यूनिट, जितनी भी प्रोसेसिंग कंट्रोल होती है वो इस यूनिट के द्वारा होती है, और हमारा जो भी डेटा स्टोर होता है वो पूरे स्टोरेज का ऑपरेशन किसके थ्रू होता है, मेमोरी यूनिट के द्वारा। ये हमारा प्रोसेसर है जो अर्थमेटिक, यदि हमने कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन इस पर या मैथमेटिकल वर्क इस पर किया है तो वो ALU कंट्रोल करेगा। ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन होती है यहाँ से CPU के, जो ट्रांसफर हो रही है वो CU के थ्रू होती है, और जो भी डेटा हम स्टोर कर रहे हैं वो किसके, कौन परफॉर्म करता है वो ऑपरेशन, MU मींस मेमोरी यूनिट, और ये होती है हमारी हार्ड डिस्क जिसके अंदर पूरा डेटा स्टोर होता है। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं हार्डवेयर के जो हमें सामने से दिखाई नहीं देते हैं लेकिन वो CPU के अंदर होते हैं, जैसे कि आपका है मदरबोर्ड। जितनी भी कनेक्टिविटी CPU में होती है, हर जितनी भी वायरिंग होती है वो सब किसके थ्रू होती है, जो भी पार्ट CPU से कनेक्ट होता है वो कहाँ जाके कनेक्ट होता है, सारी कनेक्टिविटी मदरबोर्ड के थ्रू। हार्ड डिस्क है जिसमें डेटा स्टोर होता है। रैम, रैम में आपका इंटरनल डेटा स्टोर होता है लेकिन इसमें टेम्पररी होता है, यदि आप पावर को स्विच ऑफ कर देंगे कंप्यूटर का तो वो डेटा डिलीट हो जाता है।
SMPS है आपका स्विच टू मोड पावर सप्लाई, यहाँ से कंप्यूटर को पावर सप्लाई मिलती है। और हाँ, प्रिंटर, प्रिंटर से हम सभी जानते हैं कि हमें कोई भी पेपर प्रिंट करना है, प्रिंट आउट निकालना है, तो वो किसके थ्रू निकलता है? प्रिंटर के थ्रू। यानी कि किसी पेपर पे, कागज पे हमें प्रिंट निकालना है हमारे फाइल वगैरह का, तो वो किस पर निकलता है, किसके थ्रू? प्रिंटर के थ्रू। कोई भी एक्स्ट्रा कनेक्शन, किसी कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू हमें कोई कनेक्शन कंप्यूटर से करना है, जैसे इंटरनेट कनेक्शन, तो उसके लिए कौन सी डिवाइस होती है? मॉडेम। सीडी रोम यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये भी आपकी स्टोरेज की डिवाइस होती है। सीडी भी ये ड्राइव होती है, लेकिन ये इंटरनली नहीं होती है, ये एक्सटर्नल होती है, जो कि आपकी इस ड्राइव में सीडी स्टोर होके और डेटा हमें प्रोवाइड करवाती है। हार्डवेयर के बारे में हमने पढ़ लिया है, हार्डवेयर क्या होता है और हार्डवेयर के कितने पार्ट्स हैं। अब हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें हम छू नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल है सॉफ्टवेयर का विंडोज 7, एमएस वर्ड। सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम में जो भी वर्क हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि पूरे सिस्टम की प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी स्पेशल टास्क या स्पेसिफिक जॉब के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जैसे विंडोज 7 एंड 8 ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसपे पूरी प्रोसेसिंग हो रही है। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि आप एमएस वर्ड है, जिसमें आपको यदि कोई डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करना है, डॉक्यूमेंट बनाना है, वो बनता है। स्प्रेडशीट यानी एमएस एक्सेल है, यानी आपको यदि कोई रिकॉर्ड्स का बनाने हैं उसमें, तो वो एमएस एक्सेल में बनते हैं। डेटाबेस बनाना है, वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर यानी एमएस एक्सेस में बनता है। यानी आप मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, जैसे कि आपको मूवी देखनी है, सॉन्ग सुनने हैं, यदि मीडिया प्लेयर, विंडोज मीडिया प्लेयर इसका एग्जाम्पल है, उसमें उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में उससे रिलेटेड चीजें आप देख सकते हैं। आज हमने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में पढ़ा है। थैंक यू सो मच।